हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी, और ये है आपके लिए लव वर्क फोरकास्ट फॉर फेब्रुअरी। जी हाँ, फॉर सेजिटेरियस। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन सेजिटेरियस में है, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी सेजिटेरियस को जानते हो, क्रॉस वॉच कर लो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। और फ्रेंड्स, आपने बाकी सारी रीडिंग्स देख ली क्या? फेब्रुअरी की काफ़ी सारी रीडिंग्स मैंने कर दी हैं, लव, रोमांस, फेब्रुअरी, बेकर कार्ड, चांस रीडिंग, यहाँ पे भी हैं, दूसरी चैनल पे भी हैं। आप दोनों जगह देख लो, सब्सक्राइब कर लो, मिस नहीं होंगी। घंटी बजा दो ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलो, आपका लव मंथ कैसा रहेगा सेजिटेरियस, पहले देख लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। सेजिटेरियस थीम ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स जंप आउट हुए। जजमेंट, वाओ, वेरी पावरफुल एनर्जी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इसको। थीम ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर सेजिटेरियस। वाओ, डेफिनेटली कोई इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। लव का मंथ है सेजिटेरियस, प्यार मोहब्बत आपके लिए आ रही है। हैप्पी वेडिंग लग रहा है मुझे तो ये। एक सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक नई दोस्ती, एक नई शुरुआत आपके लिए। जजमेंट, डेफिनेटली पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मंथ, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज हो, चाहे लव है, दोस्ती है, हर तरह का रिश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी। जजमेंट, आई फील ये मंथ आपके लिए बहुत डेस्टाइंड है सेजिटेरियस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपके आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन आपकी लाइफ में आएगा, कौन नहीं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई डेस्टाइन पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। एक न्यू प्रेगनेंसी या एक चाइल्ड बर्थ का भी है, या आप लोग फ्यूचर अपने हस्बैंड वाइफ से मिलेंगे इस मंथ। सो सेजिटेरियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। प्यार और मोहब्बत का मंथ है आपके लिए सेजिटेरियस। यू नो, प्यार है, दोस्ती है, इमोशंस आपके बहुत हाई हैं। सो आप उसी पे ज़्यादातर फोकस्ड हैं। ये देखिए एम्परर, आई डू फील कि आपका ईगो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सेजिटेरियस आपका खुद का कार्ड है, तो आपको जो है अपना दिल खुला रखना है, रेदर देन अपने ईगो पे फोकस नहीं करना है इस मंथ। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कुछ एंजाइटी और चिंता ज़रूर हो सकती है रिश्तों को लेके, या यू नो, दिल कंट्रोल को लेके, कि अपने रिश्तों में कंट्रोल करना या नहीं करना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखिए फोर ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, मैरिज को लेके आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स या चिंता है। मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको थोड़ा सा आपकी मैरिज टेस्ट हो जाए, स्पेशली अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं सेजिटेरियस, तो ऐसा ना करें। थोड़ा अगर आप इमोशंस में रहेंगे, अपने दिल खुला रखेंगे, आपका फेब्रुअरी बहुत अच्छा जाएगा। ऑल्सो आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं सेजिटेरियस। अगर आप सिंगल हैं तो आपको काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स मिलेंगे या काफ़ी लोग मिलेंगे, बट ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो आप जिनसे शादी कर सके या आपको कमिट कर दें जो मैरिज के लिए। सो थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि दिल खुला ज़रूर रखें सेजिटेरियस, ज़्यादा कंट्रोल की एनर्जी नहीं रखें। फेब्रुअरी ये आपके लिए एक टेस्ट है प्यार में, मोहब्बत में और दिल खुला रखने में। सो लेट्स सी योर लव लाइफ। बहुत डेस्टाइंड मंथ है आपके लिए सेजिटेरियस, देयर लव लाइफ फॉर फेब्रुअरी। ये देखिए हायरोफेंट, हाई प्रीस्ट, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड, सॉरी, द हर्मिट, The Seven of Pentacles, the Seven of Wands, the Queen of Pentacles, Sagittarius, Ace of Swords, Capricorn, Virgo, Taurus के साथ आप डील कर रहे हैं, या Cancer, Scorpio, Pisces के साथ Sagittarius, their love life in February. Okay, thank you. The Five of Wands, the Moon. And the Three of Wands. Ooh, anxiety. Oh my God. यहीं पे वो पहले भी कार्ड आया था, आपने देखा हो तो. The Emperor, ये देखिए, the Ten of Swords, the Ten of Pentacles. Oh my God.
सेजिटेरियस, आई डू फील आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी रिश्ते काफ़ी बैलेंस्ड हैं मैरिज को में, फैमिली में, यू नो मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लव लाइफ में आपकी. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज बेहतर होगी, चीज़ें ठीक होंगी. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं. आई फील आपकी पर्सन की फैमिली या आप दोनों के रिलीजन कल्चर की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस रिश्ते में. ये नो कॉन्टैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है, बट आई फील ये आपसे बात करने आ रहे हैं. इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी चीज़ें अच्छी चलेंगी. ये पर्सन और आप काफ़ी मैच्योरली बिहेव करेंगे और अच्छा कनेक्शन रहेगा फर्स्ट वीक में. बट सेकेंड वीक के अंदर जो है आई फील कि अभी भी बातें चलती रहेंगी, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं काफ़ी प्रैक्टिकल लग सकते हैं और आप थोड़े से ज़िद्दी लग सकते हैं. लाइक आप दोनों में से कोई एक ज़िद कर रहा है और अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकती हैं यहाँ पे सेकंड वीक में. ऑल्सो आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, तो ईगोज़ का एक क्लैश लग रहा है इन द मंथ ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है. लेकिन अगर आप दिल खुला रखेंगे अपना तो ये कनेक्शंस बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं है जो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते अगर आप अपने मीठी मीठी बातें करते रहे तो. सेजिटेरियस तो थोड़ा सा जो है ईगो को आड़े नहीं आने देना है अपने रिलेशनशिप्स में, स्पेशली सेकेंड वीक में. अगर आप पेशेंस रखेंगे, दिल खुला रखेंगे, सामने वाले को यू नो कॉम्प्लीमेंट वगैरह देते रहेंगे तो अच्छी चलेगी रिलेशनशिप. थर्ड वीक के अंदर जो है फ्रेंड्स तैयार हो जाओ. ये जो छोटी सी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो कि अट्रैक्ट कर रहा था आपको, थर्ड वीक में जंग बन सकती है, लड़ाई और एक बैटल फील्ड बन सकती है. सो गेट रेडी फ्रेंड्स, डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों के ख्यालों में, आपकी एक्सपेक्टेशंस में, या फैमिली को लेके इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी फैमिली कुछ कह रही है, उनकी कुछ कह रही है, आप शादी करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस को लेके तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं. मून आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आपके और आपके पार्टनर के, सो थोड़ा सा सब्र रखना है. थ्री ऑफ वॉन्स, जी हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचें रेदर देन इस प्रेजेंट लड़ाई झगड़े के बारे में. अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे सेजिटेरियस तो ये वक्त आपका आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा बुरा नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप इसी में बहस में लग गए दोनों जने तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है. एनजाइटी, डिप्रेशन, रातों की नींद आपके पर्सन की तो उड़ी हुई है, आपकी भी उड़ जाएंगी अगर आप दोनों लड़ाई पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पे फोकस करें रेदर देन रोमांस पे. और लॉन्ग कैंडल लाइट डिनर्स के बाद मुझे लग रहा है ये लड़ाई होगी कि आप डिनर डेट पे गए और यू नो उसके बाद कुछ लड़ाई हो गई या आप दोनों में कुछ बहस हो जाए छोटी सी, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा. जो थर्ड लास्ट वीक है उसमें लग रहा है आप बहुत डोमिनेटिंग है सेजिटेरियस, आप लोग से सब्र नहीं होगा. आप काफ़ी पोलाइट और नाइस बिहेव कर रहे थे, अब सेजिटेरियस आप जो है अपनी पावर को एक्सेप्ट करेंगे और हो सकता है कि आप यू नो किसी अपने वर्क से ब्रेक लें या अपने पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या कुछ इशूज़ क्लैरिफाई करते हैं. चलिए, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज़ दिस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या आई डू फील कि आप लोग वर्क पे बहुत बिजी हैं तो कहीं ना कहीं आप जो ये लड़ाई झगड़े से ब्रेक लेंगे और आप कहें आपके पर्सन जो हैं वो आपको प्यार और मोहब्बत ऑफर करेंगे और आप दोनों मिल के इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे. एंड डेफिनेटली दिस विल लीड कि आपकी मैरिज या आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा. सो गेट रेडी. और आपके पर्सन जो है फाइनल वीक में थोड़े मैच्योर बिहेव करेंगे, लेकिन आप जो है काफ़ी इगोइस्टिक और काफ़ी बोल्ड हैं सेजिटेरियस. सो वाओ, पैशंस बहुत, ये एक अपोजिट्स अट्रैक्ट का रिलेशनशिप है. आप पैशनेट हैं, वो इमोशनल हैं, जब आप इमोशनल हैं वो पैशनेट हैं. सो वाओ, चलिए एडवाइस देखते हैं सेजिटेरियस. और शादी को लेके काफ़ी हैं चर्चे आपके. चूज़ योर बैटल्स, जी हाँ, लड़ाई झगड़े की एनर्जी तो है. और क्या है कि लड़ाई झगड़ा नहीं, ये है, ये एक आपके प्यार में तड़का लगा हुआ है फ्रेंड्स. तो आप डिसाइड कीजिए आपको उसमें कितनी आग और कितना पैशन और कितना प्यार डालना है, ये आप पे है. सिक्स ऑफ कप्स, जी हाँ, सोलमेट तो हैं आप, सोलमेट के साथ और ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं इस मंथ. डेविल, हाँ, आपको बड़ा मन करेगा कंट्रोल करने का या सेम तरीके से बिहेव करने का. आपके पर्सन को भी, आप दोनों ही इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहे हो, डोमिनेट करना चाह रहे हो. ऐसा करने से रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा. प्यार मोहब्बत से एडजस्ट, या एडजस्ट भी नहीं, प्यार एक दूसरे को समझने से ये रिश्ता अच्छा चलेगा. टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स दो बार.
हर्मिट सीख, आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए इस मंथ, ताकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकें. जब आप स्पेस दोगे तो बहुत अच्छे चलेंगे रिलेशनशिप्स. लेट्स सी योर करियर सेजिटेरियस. वाओ, कार्ड्स ही नहीं आ रहे फ्रेंड्स. ओके, नाउ दिट हैज कम. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द नाइन ऑफ वंड्स, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड द सन. पहली चीज तो फ्रेंड्स, आप लोगों का करियर जो है काफ़ी ज़्यादा एक फेम या लाइमलाइट की पोजीशन में जा रहा है. सेजिटेरियस, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर सबका अटेंशन है. या जैसे आप लोगों को कोई ऐसा जॉब मिला है जहाँ जैसे आप टीचर हैं तो आपको सारे बच्चों का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन करना है उन्हें. या आप लोग खुद ही स्टूडेंट थे, अब आप टीचर बन गए तो आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आप जो नॉटी बच्चों में से हैं, जो शैतान होते हैं, यू नो. सो समवेयर, पहली चीज़ तो आपका काम जो है इस मंथ फेम और आपको अटेंशन मिलने वाली है. आपको सारे लोग वॉच कर रहे हैं अपने वर्क और करियर पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है और थोड़ी सी परेशानी भी दे सकती है, क्योंकि सब लोग आपको वॉच कर रहे हैं आपके वर्क करियर और एजुकेशन में. तो आपको सपोर्ट काफ़ी मिलेगा, काफ़ी लोग आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, काफ़ी कोलाब्रेशंस भी हो सकती हैं. आप बिजनेस में हो तो नई डील्स मिल सकती हैं, लेकिन पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है. पैसा आ रहा है लेकिन आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ऑल्सो आपके ड्रीम्स में थोड़े से डिलेज होंगे करियर में और एजुकेशन या स्टडीज़ में, पर आपको फाइट बैक करना पड़ेगा फ्रेंड्स. गिव अप ना करें, पॉजिटिव ज़रूर रहें. पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कोई आपको धोखा दे सकता है कि कमिट कर गए जॉब का नहीं दिया, या कमिट कर गए एग्ज़ाम में आपकी फ़ाइल्स पूरी कर देंगे पर नहीं की, या आपको लास्ट मिनट प्रोजेक्ट में डिच कर गए, आपको उनका काम करना पड़ा. गॉसिप, बैक बाइटिंग, ट्रस्ट इशूज़, ये सब आपको मिलेगा इस मंथ एट योर वर्क. हो सकता है आपके जूनियर सही काम नहीं कर रहे, या आपको किसी ने पैसे वगैरह में धोखा दे दिया है. सो आपको पेशेंस बनाए रखना है और गिव अप नहीं करना है. झटके तो लगेंगे दूसरों की तरफ से, गॉसिप भी है क्योंकि आप लोग बहुत शाइन कर रहे हैं. हो सकता है आपने नया काम ज्वाइन करा हो तो फैमिली या आपके ऑफिस में काफ़ी गॉसिप चल रही है, फ्रेंड्स में, तो आपको बुरा लग सकता है, पर आप उसे नज़रअंदाज करें, अपने काम पे फोकस करते रहें. अगर आप स्टूडेंट हैं, आप काफ़ी लोगों के साथ ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो, या आप जिन लोगों के साथ पढ़ने जा रहे हो उनमें से कुछ लोग आपको हो सकता है बताएं नहीं एग्ज़ाम्स के बारे में, या वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि दे आर योर फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है. लेकिन आप लोग सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें. थोड़े से धोखे, थोड़ी सी गॉसिप है, क्यों? क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हैं सेजिटेरियस, इसलिए जब सितारे बुलंदी पे होते हैं तो थोड़ी सी तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष आता ही है फ्रेंड्स. चलिए एडवाइस देखते हैं. पर बुरा लगता है जब वो अपनों से आए या किसी ऐसे इंसान से जिन्हें आप प्यार करते हो कन्फ्रंट. ये देखिए, कुछ डर आपको लगेगा, कुछ आपके आसपास लग रहा है लोगों को, तो आप उसे नज़रअंदाज करें और अपने डरों को जीत लें. ये सॉफ्ट काप्स, या आप बहुत एक्साइट, कुछ नया ज़रूर आप शुरू करेंगे फ्रेंड्स इस मंथ. हो सकता है कोई फिटनेस गोल पे या कोई नई चीज़ लर्न करेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे. हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, डर लगेगा पर आप करेंगे रीबिल्ड. ये देखिए, अपने लाइफ को आप रीबिल्ड कर रहे हैं, फाइनेंसेस को, करियर को, एजुकेशन को. एस ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथनिंग. आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत इमोशनल भी हैं अपने काम को लेके, और बहुत आप एम्बिशियस भी हैं इस मंथ. सो काफ़ी आपके एनर्जीज आपके फेवर में हैं. बस आपको ये जो नेगेटिव फियर्स, कुछ नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स आप लोग. सेजिटेरियस फॉर फेब्रुअरी. ये देखिए, आपकी खुद की एनर्जी है, लायन का कार्ड अक्सर आता है सेजिटेरियस की रीडिंग में, लियो और सेजिटेरियस की रीडिंग में. वाओ, यंगर मैन हो सकता है, कोई यंगर ब्रदर या यंगर पर्सन, फ्रेंड हैं, कलीग हैं, लवर हैं, वो आपको लिए इम्पॉर्टेंट हैं इस मंथ. करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी हाँ, आप करियर को इमोशनली भी अटैच्ड हैं अपने और एम्बिशियस भी बहुत हैं उसके लिए. वीपिंग विलो, फैमिली में कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं. टावर, सक्सेसफुल, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, आपके एफर्ट्स का सक्सेस मिलेगा.
लाइन टाइम टू एक्ट, अब बहुत पैशनेट हैं अपने करियर को लेके फ्रेंड्स, स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, जी हाँ आप कोई नया वर्क या कोई जॉब या कोई नई हॉबी वगैरह शुरू करेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे, ओल्डर वुमेन, सो या आप फैमिली को लेके काफ़ी इन्वॉल्व हैं, मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, रोज रोमांस इज इन द एयर फॉर यू, जी हाँ मैरिज है, रोमांस है, कमिटमेंट है, दोनों ही चीज़ें हैं, मून चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लिए कुछ हिडन चीज़ें हैं, ज़रूर आपको बॉदर करेंगी कि कौन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये ज़रूर आपको परेशान कर सकता है, समवन विल गॉसिप, जी हाँ गॉसिप बहुत है वर्क पे स्पेशली, या आप अगर करियर स्टूडेंट हैं तो करियर में आपके, एंड इमोशनली सिक्योर हैप्पी फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फेबररी चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपको चेंजेस मिल जाएंगे, हार्ड वर्क अहेड टेबल, जी हाँ बहुत बिजी मंथ है आपके लिए सेजिटेरियस, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन टफ सिचुएशंस, जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है, सो जुलाई और मार्च आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यंगर वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट, यंगर मैन, यंगर वुमेन एंड एन ओल्डर वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेटर यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस, सो काफ़ी बढ़िया आपका बहुत अच्छा मंथ है फ्रेंड्स, सो अभी के लिए तो इतना ही, सेजिटेरियस मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर हिंदी को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, दिस इज मिस्टेक सी सेइंग बाय।